हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत पराशर और ग्लिटर एंड फटेक की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं हेलोनिस का एक रडार मोशन सेंसर बल्ब। ये हेलोनिस का एक रडार मोशन सेंसर बल्ब है जो कि मोशन होने पे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और अगर एक मिनट तक इसके आगे कोई भी मोशन नहीं होता तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये 10 वाट का एलईडी बल्ब है, इसकी ल्यूमिनेंस पूरे 900 ल्यूमिन की है। ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी का प्रोडक्ट है। इसकी मोशन डिटेक्शन रेंज पूरे 15 फीट की है और ये पूरे 360 डिग्री एंगल में मोशन को डिटेक्ट करता है। तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में, करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फो टेक के साथ। तो ये है ग्रिटेल पैकिंग हेलोमिक्स के रडार मोशन सेंसर बल्ब की, और एक ग्लॉस फिनिश के अंदर काफी सुंदर पैकिंग है। इसके फ्रंट में हेलोनिक्स की ब्रांडिंग है और ये हमें बताता है कि इसके अंदर 10 वाट का एलईडी बल्ब है जो कि रडार मोशन सेंसर बल्ब है। ये ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होता है। ये बल्ब दिन के टाइम में बंद रहता है और अगर रात में इसके आगे कोई मोशन होता है 15 फीट के अंदर अंदर तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, और अगर इसके आगे कोई भी मोशन नहीं होता तो ठीक एक मिनट के बाद ये अपने आप बंद हो जाता है और ये पूरे 360 डिग्री एंगल के अंदर मोशन को डिटेक्ट करता है। ये आइडियली इन सभी एरियाज में यूज हो सकता है, जैसे बाथरूम में, बालकनी, स्टेयरकेसेस, पोर्च, ड्राइववे या फिर स्टोर रूम के अंदर ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये एक आईएसओ कंपनी का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का मॉडल है एलईडी बल्ब रडार 10W और ये 10 वाट का बल्ब है। 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम करता है। इसकी ल्यूमिनेंस 900 ल्यूमिन की है और ये 0.07A रेटेड है। इसका CRI 80 के बराबर या 80 से ज्यादा है और इसका MRP 349 रुपीज है, मगर ऑनलाइन ये 300 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक YouTube के ऊपर ग्लिटर एंड फटेक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। इस बॉक्स के अंदर हेलोनिक्स का एक रडार मोशन सेंसर बल्ब मिलता है। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो कंप्लीटली प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके अंदर एक मोशन सेंसर लगा हुआ है जो कि इनविजिबल है। देखने से एक रेगुलर बल्ब लगता है, मगर इसके अंदर एक मोशन सेंसर फिट है जो कि बाहर से बिल्कुल भी नहीं दिखता। इसके फ्रंट में ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक का यूज किया गया है जहां से लाइट एमिट होती है, और इसके नीचे ये ओपेक प्लास्टिक का यूज किया गया है, और इसके नीचे एक मेटल का होल्डर है, ये B22 होल्डर है जो कि इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है। तो इंडिया के अंदर मोस्टली घरों के अंदर जो सॉकेट्स होती है उसके अंदर बहुत इजीली फिट हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ये 10 वाट का बल्ब है जिसकी ल्यूमिनेंस पूरे 900 ल्यूमिन की है, तो ये काफी ज्यादा ब्राइट है। इसकी मोशन डिटेक्शन रेंज पूरे 15 फीट की है और ये पूरे 360 डिग्री एंगल के अंदर मोशन को डिटेक्ट करता है। अगर इसके आगे कोई भी मोशन होता है रात के टाइम पर तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उसके एक मिनट तक ये ऑन रहता है। अगर इसके आगे कोई भी मोशन नहीं होता एक मिनट तक तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो ये रडार मोशन सेंसर बल्ब ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ है। अब एक बारी इस बल्ब को होल्डर में लगा के आपको इसका एक डेमो देता हूं और चेक करते हैं कि जैसा कंपनी क्लेम कर रही है वैसा ये काम करता है या नहीं करता। तो ये हेलोनिक्स का मोशन सेंसर बल्ब, इसको मैंने होल्डर में लगा दिया है, और होल्डर में लगाने के बाद अब एक बारी स्विच ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये बल्ब क्या करता है। तो स्विच ऑन करने के बाद ये बल्ब ऑन नहीं हुआ, क्योंकि आसपास इस रूम के अंदर बहुत सारी लाइट जल रही हैं तो इसलिए बल्ब ऑन नहीं हुआ। ये बल्ब तभी जलता है जब इसके आगे जो लाइट है उसकी ल्यूमिनेंस 50 ल्यूमिन से कम होती है। तो अब रूम के अंदर लाइट्स डिक्रीज करता हूँ और उसके बाद चेक करते हैं कि ये बल्ब ऑन होता है या नहीं होता। और अभी क्योंकि ल्यूमिनेंस 50 ल्यूमिनेंस से ज़्यादा है तो मेरे मोशन करने के बावजूद भी ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा। तो अब एक बारी लाइट्स थोड़ी सी कम करता हूँ और चेक करते हैं कि ये बल्ब कम लाइट में काम करता है या नहीं करता। तो अब ये रूम के अंदर लाइट बहुत कम हो गई है, 50 ल्यूमिनेंस से कम हो गई है। तो अब एक बारी मोशन करके चेक करते हैं कि ये बल्ब ऑन होता है या नहीं होता। तो जैसे ही मैंने मोशन करा, आपने हाथ को हिलाया, ये बल्ब ऑटोमेटिकली ऑन हो गया। और अब वेट करते हैं और चेक करते हैं कि एक मिनट के बाद क्या ये बल्ब बंद होता है या नहीं होता। और ये एक मिनट के बाद ये बल्ब ऑफ हो गया है,
तो जैसा कंपनी क्लेम कर रही है वैसे बल्ब काम कर रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफी ज्यादा क्विक है। थोड़ा सा मोशन होते ही ये बल्ब अपने आप ऑन हो जाता है। तो ये जो हेलोनिक्स का मोशन सेंसर बल्ब है इसको मैंने अपने बाथरूम में लगाया है और ये डोर है जहां से मेरी एंट्रेंस है और इसी वॉल पे मैंने लगाया है। तो जब मैं अंदर आता हूं तो अंदर आने के बाद बिल्कुल जब मैं अंदर आ जाता हूं उसके सामने तभी मेरे मोशन को डिटेक्ट करता है और ये ऑन होता है। अगर मैं इधर साइड से आता हूं इस तरीके से आता हूं और यहां पे खड़ा हो जाता हूं तो ये मोशन को डिटेक्ट नहीं करता और ये ऑन नहीं होता, मगर जब मैं इसके सामने यहां पे आ जाता हूं तब ये ऑन होता है। तो इसको अगर इस वॉल की बजाय मैं सामने वाली वॉल पे लगाऊं कि मैं जैसे ही एंटर करूं मेरा बल्ब जल जाए तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ये एक रडार मोशन सेंसर बल्ब है, इसकी 900 ल्यूमेन है, ये 10 वाट का एलईडी बल्ब है, ये दिन का और रात का फर्क बड़े अच्छे से समझता है और दिन में काम नहीं करता केवल रात में ही काम करता है। अगर इसके आगे रात में कोई भी मोशन होता है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और अगर उसके एक मिनट तक कोई भी मोशन नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। इसकी बैक साइड में मेटल का B22 होल्डर लगा हुआ है, इसके अंदर कोई भी मर्कुरी IR या फिर UV रेडिएशंस नहीं निकलती। तो इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी ये बल्ब सिर्फ 300-350 रुपए के प्राइस रेंज के साथ आपको मिलता है और अगर आप इसको परचेज करने की सोच रही हैं तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां पे क्लिक करके आप इसको बहुत ही सस्ते प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो ये थी हेलोनिक्स के इस रडार मोशन सेंसर बल्ब की एक वीडियो और मैं ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बनाता रहता हूं। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी वीडियो रेगुलर देखना तो यूट्यूब के ऊपर ग्लिटन फुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल दबाएं ताकि मेरी बनाई वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।